उद्धव कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से मुस्लिम चेहरा असलम शेख ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण की। समय संवाददाता वसीम हैदर ने असलम शेख से भी खास बातचीत की है, सुनिए। हमेशा इस वक्त असलम शेख मौजूद है, अभी तक कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। असलम भाई, कितनी बड़ी चुनौती है इस बार आपके लिए? ये चुनौती तो बहुत बड़ी है महाराष्ट्र सरकार के सामने, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कर्ज जो है इस महाराष्ट्र के ऊपर ला के छोड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरा खराब कर करके, पूरे देश का खराब है, महाराष्ट्र का भी खराब करने के चक्कर में ही है। और सारी चीज़ें, किसानों का हाल बेहाल था, कम से कम ये सरकार आने के बाद में ताबड़तोब जो है किसानों को बहुत बड़ी रिलीफ दिया है। माइनॉरिटीज़ के कई मसले थे जो पिछली सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी ने लिया नहीं था, वो सारे हम लेंगे। और इस आप देखिएगा कि इस सरकार के अंदर जो मुद्दे अकलियतों के रह गए थे उसको हम पूरी तरीके से कर ले जाएंगे। एक सवाल ये है कि मंत्री पद क्या मिलेगा, इसके लिए अभी तक बाकी है, लेकिन माइनॉरिटीज मिलने की संभावना बहुत है। माइनॉरिटीज के कौन से मुद्दे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं? पहले जो भी मंत्रालय अगर हमारे सामने आएगा तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे। अगर माइनॉरिटीज आएगा तो बहुत सारे वर्क बोर्ड के मसले, कई ज़मीनें हमारे इस तरीके से लोगों ने इनक्रोच करके रखी हुई है, माइनॉरिटी के जो एजुकेशन के मामले को लेके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एक्स्ट्रा फंड देने के, बहुत सारे मसले हैं माइनॉरिटीज़ के, जो हकीकत अगर देखा जाए तो इस देश के अंदर अभी भी माइनॉरिटीज बस्ती जो है वो कहीं ना कहीं पिछली रही है। असलम भाई, आखिरी सवाल, जिस पूरे इलाके से आते हैं सबर्ब की तरफ से, वहाँ ट्रैफिक की मसला बहुत है, वहाँ की अलग अलग परेशानियाँ हैं, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि सबर्ब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई का हिस्सा। सबर्ब के अंदर जो मिसिंग लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाएगा, जो नए ब्रिजेस वर्सोवा और मढ़ के हो गए, मारोगे और मनूरी के हो गए, इन सबको बनाएंगे तो एक नया रास्ता जो है इस मुंबई शहर को मिलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया असलम शेख, जिन्होंने अभी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है और माइनॉरिटीज़ के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। इसमें मुंबई से वसीम हैदर है।